आलिया भट्ट ने काफी कम उम्र में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बना ली है। आलिया बॉलीवुड की सबसे बड़ी फीमेल स्टार्स में से एक हैं, जिनके काम का डंका सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन में भी बजता आया है। आलिया भट्ट आईफा 2023 में भाग लेने अबू धाबी जाने वाली थी, लेकिन अब डार्लिंग्स के फैन के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। आलिया भट्ट ने अपने सारे शेड्यूल कैंसिल कर दिए। दरअसल आलिया भट्ट के नाना नरेंद्र राजदान की तबीयत काफी खराब है। नाना के गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती होने के कारण अबू धाबी की अपनी यात्रा आलिया भट्ट ने कैंसिल कर दी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया भट्ट के नाना नरेंद्र नाथ राजदान को मुंबई के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें इससे पहले भी लंग इन्फेक्शन के चलते इसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। कई तरह के संक्रमण के चलते उन्हें आईसीयू में भर्ती करने का मन भी बना लिया था, लेकिन बाद में इसके विपरीत फैसला लिया। नरेंद्र राजदान को सहज महसूस हो इसके लिए उन्होंने कमरे के अंदर ही सारी व्यवस्थाएं की। सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने भी इस संबंध में एक पोस्ट शेयर किया और आलिया के फैंस के साथ ये खबर शेयर की। वहीं हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक आलिया भट्ट जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची उन्हें ये खबर मिली, जिसके बाद उन्होंने अवार्ड शो में शामिल होने का अपना मन बदल लिया और अपने प्लान कैंसिल करके सीधा हॉस्पिटल रवाना हो गई। अब आलिया भट्ट का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि आलिया भट्ट की गाड़ी हॉस्पिटल जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें, नरेंद्र राजदान सोनी राजदान के पिता और आलिया भट्ट के नाना हैं। उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। उनका लंग इन्फेक्शन बिगड़ गया है। सुबह ही परिवार को फोन आया कि डॉक्टर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कराना चाहते हैं, लेकिन परिवार ने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कराने से मना कर दिया और कमरे में ही सारी व्यवस्थाएं की गई ताकि उन्हें सहज महसूस हो। आपको बता दें, आलिया भट्ट के नाना की उम्र 95 साल की है। आलिया भट्ट एयरपोर्ट से वापस लौट आए क्योंकि वो इस समय अपने नाना के साथ रहना चाहती थीं।